राहुल सौमित्र, आप देख रहे हैं भारत समाचार। लखनऊ से खबर है, खनन मामले में ईडी ने शिकंजा कसा है। 5 आईएएस अफसरों पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। 5 अफसरों पर ईडी ने कार्रवाई की है, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 5 आईएएस अफसरों में जीवेश नंदन, संतोष कुमार पर ईडी ने कार्रवाई की है, अभय विवेक पर भी ईडी ने कार्रवाई की है, और देवी शरण उपाध्याय जो कभी आजमगढ़ के जिलाधिकारी हुआ करते थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी का ये एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने 5 बड़े आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की है जो अभी वर्किंग है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की है। जीवेश नंदन, संतोष कुमार, अभय विवेक, ये हो गए 4, और आखिर में देवी शरण उपाध्याय जो कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। खनन मामले में ईडी का यह शिकंजा है। खनन मामले में 5 आईएएस अफसरों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और ईडी ने शिकंजा कसा है। यानी अगर आप गलती करते हैं और गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आईएएस या आईपीएस या पीसीएस या पीपीएस ऑफिसर भी होंगे तो आप बचेंगे नहीं, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इस सरकार की मंशा भी है। ये सरकार बार बार कहती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, यानी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर उनके अधिकारी भी करते हैं तो ऐसा होगा। कांग्रेस ने नेताओं को